हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मिल्स। ये 5 जून 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से आपके लिए तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन है उसे भी दबाएँ ताकि ऐसे ही जो करंट अफेयर्स हैं, इंफॉर्मेशन वीडियो है, वो आपको समय पर मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में एक बार फिर से निपाह वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल भी बहुत इस पर बातें हुई थी और बहुत लोगों की मौतें भी वहाँ देखने को मिलती। तो ये राज्य है केरल। ओके, वहाँ के एर्नाकुलम में रहने वाले एक 23 साल के एक व्यक्ति हैं, उनको इस वायरस का पॉजिटिव पाया गया है और अभी तक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 86 संदिग्ध मरीजों की निगरानी की जा रही है। तो ये वायरस क्या है और कैसे फैलता है, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, निपाह वायरस चमगादड़ के उसकी वजह से फैलता है और इन्हें फ्रूट बैट कहते हैं। देखिए क्या होता है कि चमगादड़ किसी फल को खा लेते हैं और उसके बाद उस फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खा लेता है तो उससे वायरस संक्रमण होता है, वायरस संक्रमित हो जाता है। और शुरुआत में क्या होता है कि तेज सिर दर्द, बुखार होता है और इसका जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 74.5% मृत्यु दर है, मतलब ज़्यादा संभावना रहती है कि मौत हो जाए। WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को हाल ही में मैक्सिको का विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल दिया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। ओके, उन्हें मैक्सिको की एम्बेसडर जो इंडिया में है मेलबा प्रिया, तो उन्होंने पुणे में ये सम्मान दिया है और मैक्सिकन सम्मान जो है ये किसी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले बिल गेट्स, अमर्थ सेन, निटेल गार्डमेयर जैसे व्यक्तियों को सम्मान पहले दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज ही की बात है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल आंसर है 5 जून, आज ही के दिन। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही उसकी चिंताओं के चलते ये दिवस की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास स्थित मेचुका एयरबेस से एयरफोर्स का कौन सा विमान 3 जून को लापता हो गया? तो इसका आंसर होगा AN-32। ओके, उसने आखिरी बार ग्राउंड स्टाफ से 3 जून को कांटेक्ट किया था, संपर्क हुआ था, उसके बाद से ये लापता है और इलाका चीन की सीमा के पास में है। ओके, 13 लोग सवार थे और ये इम्पॉर्टेंट बात है। और देखिए, दुनिया भर में 10 देशों में 240 से अधिक AN-32 विमान जो हैं चलाए जा रहे हैं। भारत में 105 विमान अभी सर्विस में हैं और इससे पहले जुलाई 2016 में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान जो है वो बंगाल की खाड़ी में लापता हो गया था, अब तक नहीं पता चला उसका। तो 29 लोग थे उसमें। ओके, ये परिवहन विमान है यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका यूज़ इंडिया में इंडियन एयरफोर्स करता है और सोवियत रूस का बना हुआ है, मतलब सोवियत एरा था उस समय का बना हुआ है, 1980 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वित्तीय लाभ पाने वाला PSU कौन बन गया है? मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो लाभ है वो पाने वाला कौन सा PSU है, कौन सी कंपनी है सरकारी क्षेत्र की? आंसर होगा ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में कहेंगे इसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम। देखिए, सबसे ज़्यादा लाभ वाला ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। 31 मार्च 2019 को जो समाप्त हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ONGC ने 34% की छलांग लगाई है शुद्ध लाभ में। और कितना लाभ कमाया है? तो 26,716 करोड़, जबकि IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसने उसी दौरान 17,274 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, प्रॉफिट उसको हुआ। और इससे पहले हमेशा
ज़्यादातर मौके पर IOCL ही सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी थी। ओके, अब प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन जरूर दबाइए, आपके लाइक बटन से मेरा उत्साह बढ़ता है, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन होगा, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसकी चर्चा अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस ज्वालामुखी की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्वालामुखियों के बारे में एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं क्वेश्चन, अभी जो SSC CGL का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पर्वतों के बारे में क्वेश्चन आए हैं और विदेशों के बारे में भी आए हैं, विदेश में जो पर्वत हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इटली। ओके, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और ज्वालामुखी फूट पड़ा है फिर से। ये यूरोप का सबसे ऊंचा और काकेशस के बाहर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, माउंट एटना एक सक्रिय टेक्टो वोल्केनो है, इटली का भी सबसे ऊंचा पर्वत है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना ने किस विमान को ओमान के पास एडन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी कार्रवाई के लिए तैनात किया, किस विमान को? तो इसका आंसर होगा P-8 India, और शॉर्ट में कहते हैं P-8I इसे। देखिए, भारत जो है वो 2008 से ही एडन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी कार्रवाई करता रहा है, अभियान चलाता रहा है, क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि अक्सर समुद्री जो डकैत लुटेरे हैं वो भारतीय जहाज को किडनैप कर लेते थे और फिर फिरौती मांगते थे। आजकल ये सब मामले सामने नहीं आ रहे हैं, हालांकि कई देशों के जो जहाज हैं उनको लूटा जा रहा है, तो इसी वजह से अभी मामला सामने नहीं आ रहा है। इंडिया के जो जहाज़ हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन नेवी है वो लगातार डकैती विरोधी अभियान चला रही है। ये P-8I जो विमान है वो लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता और निगरानी वाला विमान है। तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है, मैंने दो दिन पहले ही करंट अफेयर्स में बताया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा, नव निर्मित जल शक्ति मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, देखिए, ये नया मंत्रालय है, कई मंत्रालयों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है, और किन किन मंत्रालयों को मिलाया गया इसमें, तो जल संसाधन, नदी विकास व पुनर्जीवन मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का विलय इसमें किया गया है। क्वेश्चन होगा, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 जून, और पहला विश्व साइकिल दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 अप्रैल 2018 को मनाया गया था, बाद में 3 जून इसका डेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने वीजा नियमों में बदलाव करते हुए वीजा आवेदन के लिए लोगों को अपने विवरण में सोशल मीडिया का और डिटेल देने का प्रावधान किया है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अब क्या होगा कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड सोशल मीडिया का वो जमा कराना होगा। अमेरिका का कहना है कि इसका उद्देश्य आतंकवादियों और जो अन्य खतरनाक लोग हैं उनको अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना है। तो ये उनकी बात है, उनका सोचना है, फिर भी करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था 5 जून 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, आप लाइक बटन तो आपने दबा ही दिया होगा, और हाँ, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको वक्त पे मिल सके।